यू आर वॉट यू ईट, जैसा अन्न वैसा तन और वैसा मन। ये फ्रेजेज आपने बहुत बार सुने होंगे दोस्तों, और पीसीओडी की जर्नी में इनका रोल और इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पीसीओडी में डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो जब आप डायग्नोज होते हैं पीसीओडी, तो आपका मन जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो बाहर ही ओपीडी के बाहर ही आपके मन में एक धक-धक होती है और आपको एक हिचकिचाहट होती है कि जैसे ही कमरे के अंदर में जाऊंगी तो एक बड़ी सी सलाह दे दी जाएगी कि प्लीज़ वेट लूज़ करिए। और माँ भी कहना शुरू हो जाएगी कि खाली मैगी सॉस और नमकीन पे ज़िंदगी बिताती हैं और कोई एक्टिविटी दिन भर में नहीं करती। हम जब तुम्हारी उम्र के थे तो हम तो झाड़ू पोछा बहुत सारा काम करते थे, लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं करती हो। तो आपको भी बहुत सारा हर्ट होता है कि ये क्या बात कही जा रही है। तो वेलकम टू माई चैनल वुमेन वेलनेस बाय डॉक्टर अनंदिता। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम इसमें लाते हैं बहुत सारे वुमेन हेल्थ इश्यूज, जो कि मेनार्की टू मेनोपॉज, आपकी पर्सनल से लेके आपकी सोशल लाइफ के बारे में, आपकी मेंटल से लेके फिजिकल हेल्थ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आज हम बात करते हैं रोल ऑफ डाइट इन पीसीओएस जर्नी। आप सबको मालूम है कि खाना एक एसेंशियल है, हमारे लिए एक एसेंशियल चीज़ है, लेकिन खाने को के पीछे की फिलॉसफी को समझना बहुत ज़रूरी है। पीसीओडी की डाइट को मैं 3-4 भाग में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले हम व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाना खा रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आप सबको मालूम रहता है कि खाने से हमें न्यूट्रिशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम ढेर सारा खाना और अच्छा खाना खाने की कोशिश करते हैं। पर क्या आपको नहीं लगता कि हम बहुत सारा न्यूट्रिशनल फूड लेकर भी वीकर एज जनरेशन है, हम बहुत उतने रफ एंड टफ नहीं है जितने हमारे बुजुर्ग थे? क्या हमारी दादी और नानी ने कभी डाइट के बारे में कुछ सुना होगा या कुछ पढ़ा होगा, या उन्होंने कभी डाइटिंग की होगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये सब हमारी फूड चॉइसेस पे बहुत डिपेंडेंट रहता है कि हम क्या खाना खा रहे हैं। तो खाना आप जब भी खाएं, आपका खाना लोकल वेंडर या लोकल जो छोटी छोटी मार्केट्स हैं उनसे आना चाहिए। आप मोर ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करें, रादर टू गोइंग टू सुपर मार्केट यू शुड गो टू अ लोकल मार्केट एंड शॉप योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपका खाना प्रिजर्वेटिव और पैकेज्ड फूड नहीं होना चाहिए। उसमें जितना हो सके वो प्रिजर्वेटिव की मात्रा ज़्यादा रहेगी तो वो आपकी ओवरीज के लिए हानिकारक है, और पीसीओडी में और ज़्यादा वो आपकी ओवरीज को ख़राब करेगा। उसके अलावा जब हम खाना चूज़ करते हैं तो हमारे खाने में सब चीज़ रहनी चाहिए जिसको हम कहते हैं लाइफ फूड। पीसीओडी में जो खाना रहता है वो लाइफ, मतलब कि लो इन्फ्लेमेटरी फूड एवरीडे। मतलब इसका ये है कि आप जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक कारण रहता है पीसीओडी में, उसको कम करने वाला फूड लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि कोई भी फ्रेश फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, नट्स हैं, और बहुत सारे प्रोटीन रिच चीज़ें हैं। डेयरी से थोड़ा दूर रहिए, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको पनीर खाने का मन करता है तो आप टोफू या सोया पनीर लेने की कोशिश करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करेंगे when to eat। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में खाना एक सेरेमनी की तरह होता है। हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो करते ही हैं, कभी हम फैमिली के साथ मॉल में जाते हैं तो वी ऑलवेज वांट अ कप ऑफ कॉफ़ी एंड यू नो मे बी डोनट विद इट, और मे बी पीस ऑफ केक विद दिस। तो ये सब चीज़ें जो हैं, हम सोचते हैं कि फूड हमें कनेक्ट कर रहा है। तो पीसीओडी अगर आपको डायग्नोज रहता है तो आपको खाना जो है वो अपना बहुत
टाइमली और बहुत ज़्यादा मॉनिटर करके खाना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं। अननेसेसरी तो आप खाए नहीं जा रहे हैं। क्या आप अनदर कप ऑफ कॉफ़ी या टी लेने से पहले सोचते हैं कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं? तो व्हेन डू वी ईट, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पीसीओडी में सोच के खाना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ डू वी ईट। जब पीसीओडी या अदरवाइज भी हम बात करें तो खाना हमेशा एक माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। मतलब जब हम खाना खाएं तो हम लैपटॉप या फ़ोन पे बिजी ना रहें, तो हम खाना लगभग सही मात्रा में खाते हैं। लेकिन जब हम लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हैं या फ़ोन पे कोई आंसर कर रहे हैं तो हम खाना जो है वो डेढ़ गुना ज़्यादा खा जाते हैं। हमें उस खाने का एहसास भी नहीं होता है। हमें हमारे पुराणों में कहा गया है कि खाने को आप हाथ से खाना खाइए तो आपको वो ज़्यादा लगता है। उसका मतलब ये है कि आप जब भी खाना खाएं तो आप उसको ध्यान से खाएं। उसके अलावा मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी जो आप आज से ही प्रैक्टिस करिए, ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। आपको जितनी भूख है आप उससे हाफ पहले अपनी प्लेट में लें, हो सके तो अपनी प्लेट का साइज़ भी थोड़ा छोटा लें। कि आपको मालूम है चाइना, जापान और कोरियन कंट्रीज़ में वो बहुत छोटी प्लेट्स में खाना खाते हैं। फिटनेस के लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। तो आप खाना पहले अपनी प्लेट में हाफ लें, फिर उसके बाद अगर आपको और भूख लगी है तो उस हाफ का भी हाफ आप अपनी प्लेट में और लें। इससे आपको बहुत जल्दी सेटाइटी होगी। आपका ब्रेन जो है वो सिग्नल दे देगा कि अब मेरा पूरा फुलनेस आ गई है और अब मुझे खाना स्टॉप करना है। तो इन दैट वे यू कैन बी मोर हेल्दी वाइल ईटिंग लेस अमाउंट ऑफ फूड एंड यू विल बी मोर सेटिएबल ऑल्सो। अब हम बात करेंगे हाउ डू वी कुक। हमारी कुकिंग जो रहती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ओवर फ्राइंग या ओवर कुकिंग ऑफ फूड ना करें, उससे न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम रहता है कि ये पीसीओडी में हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे जिंक, मैग्नीज, क्रोमियम, फॉलिक एसिड, फिर उसके अलावा आयरन, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए रहता है पीसीओडी को रिकवर करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए। तो कभी भी फूड को बहुत ओवर कुक ना खाएं, उसे नेचुरल फॉर्म में, जितना आप रॉ फॉर्म में या जितना आप सात्विक फूड खाएंगे या फूड विद प्राणा जिसे बोलते हैं रिच इन प्राणिक एनर्जी खाएंगे, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। जैसे कि मैं आपसे अगर शेयर करूँ कि आप अगर हो सके तो मैंगो जूस की बजाय फुल आम खाना प्रेफर करें, एप्पल जूस की बजाय एप्पल पीना, एप्पल को खाना चाहिए आपको। और उसके अलावा जैसे आप केक्स बनाते हैं, कैरेट केक खा रहे हैं, उसकी बजाय आप एक कैरेट सैलेड के रूप में खाएं। मूंग दाल को आप कुक करके खा रहे हैं, मूंग दाल की नमकीन खा रहे हैं, उसकी बजाय आप स्प्राउटेड मूंग लें, स्प्राउटेड मूंग सैलेड लें, उसमें हो सके तो थोड़ा सा आप अनार डाल सकते हैं या बहुत सारे नट्स या फ्लैक्स सीड्स या सनफ्लावर सीड्स ऐड कर लीजिए। वो भी आपको बहुत सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स देगा जिससे आप और अच्छे हेल्दी फील करेंगे। तो ये रहा कुकिंग के बारे में। अब बात करते हैं हाउ डू वी स्टोर आर फूड। तो पीसीओडी में स्टोरेज का ऐसा रहता है कि जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब आप अपने फूड को हमेशा प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर करते हैं या आप प्लास्टिक बॉटल से पानी पीते हैं तो उसमें से बहुत सारे ज़ीनोइस्ट्रोजेंस आपके खाने में जाते हैं और आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। तो जहाँ तक हो सके खाने को आप स्टोर करें स्टील में, ग्लास में, कॉपर कंटेनर्स में, हो सके तो खाने की प्लेट भी आपकी मिट्टी के बर्तन हो या फिर आपकी ग्लास के प्लेट हो या क्रॉकरी आपकी जो है वो ग्लास बेस हो या फिर सिंपल कॉपर का बर्तन रहेगा तो भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको प्लास्टिक में नहीं खाना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक टिपिकल पीसीओडी डाइट की, या पीसीओडी में आपको एक दिन भर में आपको क्या क्या खाना है। तो अगर मैं बात करूं तो पीसीओडी में आप लगभग 1200 टू 1400 किलो कैलोरी से ज़्यादा इंटेक ना करें तो आपका वेट लॉस होगा। तो इसको हम कैसे प्लान करना है, इसको एवरी मील शुड बी अराउंड 300 टू 400 किलो कैलोरीज। आप अपने दिन की शुरुआत करें
एक मुरिंगा वाटर से कर सकते हैं, करी लीव वाटर से कर सकते हैं, या सिंपल मेथी वाटर से कर सकते हैं। ये सब जो पानी रहते हैं, अगर रात को आप मेथी को भिगो दें और सुबह उसको छान के पिएंगे, तो वो आपके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करता है, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, आपके शुगर लेवल्स को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से मुरिंगा, जिसे कि हम इंडियन ड्रमस्टिक भी कहते हैं, वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है, या सिंपल मुरिंगा कैप्सूल्स भी आप ले सकते हैं। तो सुबह की शुरुआत आपको, जैसे मैंने बताया, कि इस पानी से करिए। उसके अलावा अगर ये सब आपको अच्छा नहीं लगता है, तो सेकेंड ऑप्शन आपके लिए हो सकती है कि सिंपल पानी में आप जिंजर, सिनेमन और थोड़ा सा हनी और लेमन डाल के एक ड्रिंक बनाएं और इसे मॉर्निंग में पीजिए। ये बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। उसके बाद ज़रूरी है कि आप 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करें। अब एक्सरसाइज आपको ज़रूरी है कि आपको सन में करनी है। विटामिन डी जो है वो हमें फूड में नहीं मिलता है, हमारे खाने में विटामिन डी नहीं रहता है, तो सनलाइट बहुत ज़रूरी है। जो भी एक्सरसाइज करें, एक्टिविटीज़ करें, वो सन में जाके करें, ताकि आपको भरपूर मात्रा में विटामिन डी भी अवेलेबल हो। विटामिन डी भी पीसीओडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। अब बात करते हैं दिन के पहले खाने की या नाश्ते की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट मील रहता है। नाश्ते में आपके ऑप्शंस इस तरीके से हो सकते हैं, या तो आप पोहा, उपमा, चीला, इस तरीके का चीज़ें ले सकते हैं। अगर आप पराठा खाती हैं, तो भी उसे बिल्कुल कम घी में या 1 टीस्पून ऑफ घी में बनाएं, और उसमें खूब सारी सब्जियां आप गूंथ लें और फिर वो पराठा बनाएं, और उसे कर्ड के साथ ले सकते हैं। या आपने अगर चीला बनाया है, मूंग दाल का या बेसन का चीला बनाया है, तो उसमें कोशिश करें कि उसमें वेजिटेबल्स की मात्रा जो है वो हाफ एंड हाफ हो, तो उससे आपका जो है वो वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ेगा और आपकी कैलोरी कंटेंट कम हो जाएगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपना ये चीज़ों का ध्यान रखें। अगर मूंग दाल का चीला आप खा रहे हैं, तो उसके साथ पीनट चटनी लेते हैं, तो वो जो है, या ग्रीन चटनी लेते हैं, तो वो आपका सॉस को रिप्लेस कर सकता है, वो एक अच्छा अल्टरनेटिव रहेगा। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। मिड मॉर्निंग स्नैक में आप नारियल पानी ले सकते हैं, या आप ग्रीन टी ले सकते हैं, वो नहीं तो आप लस्सी ले सकते हैं, कांजी ले सकते हैं। कांजी आप सबको पता है कि ब्लैक कैरेट का एक फर्मेंटेड ड्रिंक होता है। फर्मेंटेड ड्रिंक्स आर अगेन वेरी रिच इन B12, और B12 भी PCOD जर्नी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपकी ओवरीज को ठीक करता है। अब बात करते हैं लंच की। लंच में आप अगर हो सके, अगर वेट लॉस कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप एक पूरा फ्रूट बाउल लेते हैं, जिसमें कि जो मेन फ्रूट्स हैं वो आपके रहें। तो पपाया आप ले सकते हैं, पाइनएप्पल आप ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, कुछ खीरा, टमाटर आप डाल के एक फ्रूट सैलेड बना लीजिए। उसके ऊपर से आप स्प्रिंकल कर लीजिए फ्लैक्स सीड्स, या आप सनफ्लावर सीड्स को अच्छे से रोस्ट और ग्राइंड करके ऊपर से उसको कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा कम मीठा है और आपको मूंग दाल स्प्राउट सैलेड खाना है, या स्प्राउटेड चना सैलेड खाना है, तो आप उसको भी नींबू और थोड़ा चाट मसाला डाल के बना सकती हैं। खीरे का सैलेड बना सकते हैं, थोड़ा सा आप रायता बना लीजिए। लो फैट मिल्क का, अगर आप दही बनाते हैं, तो उसको रायते में मिक्स करके ये सारे सैलेड को लेंगे, तो वो आपका कैलोरी कंटेंट भी कम होगा और हेल्दी भी बहुत रहेगा, आपकी वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगर आपको फुल मील खाने की आदत है, नॉन वेज खाने की आदत है, वैसे तो PCOD में वेगन डाइट इज प्रेफरेबल, पर अगर आप खाती हैं तो लीन मीट्स, जैसे पीस ऑफ चिकन और पीस ऑफ फिश, एंड along with that you can have a katori of dal, a simple sprouted salad along with it, and 1 or 2 chapatis, so that you can feel full in that. Ab baat karte hain hum evening tea, jo aapko aisa lagta hai ki iske bina kaam nahi chal sakta hai, to green tea is very good if you want. Saath mein aap roasted kuch 5-7 nuts le sakte hain. Aap thoda sa हो सके तो ग्रीन टी में, अगर आप अच्छा नहीं आपको लग रहा है, तो लेमन और हनी भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं लास्ट मील ऑफ द डे की, डिनर की। डिनर में आप 1 या 2 छोटी चपाती बनाइए। साइज ऑफ चपाती, साइज ऑफ प्लेट अगर आप छोटा रखेंगे, तो खाना आप पूरा खा सकते हैं। इवन आप
चावल दाल खाएंगे वो भी बहुत अच्छा है, खिचड़ी खा सकते हैं आप, वन पॉट मील जैसे कि सांभर राइस ले सकते हैं, या आप दाल के साथ वेजिटेबल्स डाल के राइस को कुक कर लें तो वो एक सिंगल पॉट मील भी वर्किंग वुमेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसमें आप जो है वो साथ में थोड़ा सा हो सके तो आप उसके ऊपर से भी सीड्स कुछ स्प्रिंकल कर सकते हैं, साथ में आप उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे डिनर के बाद भी कुछ खाना रहता है या कुछ मीठा खाने की इच्छा होती है तो अ पीस ऑफ जैगरी और अ डेट विल आल्सो बी हेल्पफुल इन योर जर्नी। उसके अलावा अगर आपको मिल्क पीने की आदत है तो कोकोनट मिल्क या आलमंड मिल्क, थोड़ा सा आप टर्मेरिक और काली मिर्च और थोड़ा हनी डाल के अगर आप लेना पसंद करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो ये था एक फुल डे का आपका मील पीसीओडी में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए ये यूज़फुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।